तो हम बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वहां पे कि जो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसमें है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अकर्स इन ह्यूमंस, एप्स एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज, ये भी स्पेशल स्पीशीज होती है मंकीज की जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। बाकी सब में जो है देयर इज प्रेजेंट अदर मैमल्स हैव, गुड आफ्टरनून बेटा, ईस्ट्रस साइकिल। ध्यान से देखो, सिर्फ मैमल्स में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल हो सकती है क्योंकि वहीं पर ही एंडोमेट्रियम है, बाकी जगह, बाकी बर्ड्स में तो एंडोमेट्रियम है ही नहीं है, बाकी तो मैक्सिमम क्या है, ओविपैरस है, प्लेसेंटल्स तो है ही नहीं, विविपैरस नहीं है, प्लेसेंटल्स नहीं है, सिर्फ मैमल्स है जो प्लेसेंटल्स है, जिनमें प्लेसेंटा बनता है, एंडोमेट्रियम है, और जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एप्स एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बाकी मैमल्स में देखो एंडोमेट्रियम तो बनती और टूटती रहती रहती है सभी में, बट अदर मैमल्स है ईस्ट्रस साइकिल इन विच एंडोमेट्रियम develops during breeding season only, ठीक है, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में जो सीजनल ब्रीडर्स है उस टाइम एंडोमेट्रियम डेवलप होती है, आफ्टर विच इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो क्या है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेक हो गई तो कहां गई, एब्सॉर्ब इनसाइड द बॉडी, सो नो ब्लीडिंग अकर्स, नो यू नो मेंस्ट्रुअल फेज अकर्स, देयरफॉर नो ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो इनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो, जिसमें ब्लीडिंग फेज हो, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। एक चीज और समझ लो फिर लिखना, अब ह्यूमंस की बात, ये सब जो है ना ये एक बॉक्स में लिख लेना, बट बाद में पहले जो मैं समझाने लगी हूँ वो आप समझो कि अब अगर जो हमारा ओव्यूलेशन में सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आया, सेकेंडरी ओवोसाइट आफ्टर ओव्यूलेशन, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ग्रेफियन फॉलिकल से तो बाहर आ गया, ठीक है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो दिस इज, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है, बस न्यूक्लियस को और क्या बोल देते हैं, जर्मिनल वेसिकल, इट इज कवर्ड बाय, दिस इज आपने पूरा लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोला जाता है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन ये जो डॉटेड है, दिस इज जोना पेलुसिडा, आई हैव टोल्ड यू दिस इज केमिकल लेयर,
acellular. In between vitelline membrane and zona pellucida, ये जो space है, this is called as perivitelline space. And this one, ये follicular cells है. This is, ये सब तरफ आप बनाएंगे. This is corona radiata. So this is secondary oocyte after ovulation. ठीक है? So secondary oocyte, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, has three membranes. कौन सी है? Vitelline membrane, zona pellucida, and corona radiata. ठीक है, जो vitelline membrane है, this is primary egg membrane. आपने पूरा लिखना है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एज इट इज सिक्रीटेड बाय एग साइटोप्लाज्म. जो एग का साइटोप्लाज्म खुद सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन ये फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन. तो नेक्स्ट इसके बाद है जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन. जैसे मैंने आपको बताया है क्यों है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, एज इट इज secreted by follicular cells. और तीसरी है, that is corona radiata, ये भी secondary membrane है. और ये आप लिख सकते हो, because it is formed of follicular cells itself. ये तो follicular cells ही बना रहे, that's why it is secondary egg membrane या layer है. Membranes तो वैसे दो ही है, कौन कौन सी, vitelline membrane and zona pellucida, ये membranes है. ये तो corona radiata तो एक layer है cells की जो बनी हुई है. Is it okay? ठीक है, तो पहले menstrual cycle का ये एक box में लिख लो, उसके बाद ये लिख लेना structure of secondary oocyte after ovulation. ठीक है, बना लो. और यहां पे बेटा एक पॉइंट लिखना है, दैट एग या सेकेंडरी ओवोसाइट लैक सेंट्रियोल. और दूसरा जो आपको पहले भी पता है, सेकेंडरी ओवोसाइट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज प्रेजेंट एट मेटाफेज टू स्टेज ऑफ मियोसिस टू. ठीक है जी,
कर लो ये, फिर हम करेंगे फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज, हम इसको एम्फी मिक्सेस, एम्फी मतलब टू, तो टू गैमेट्स के मिक्सचर को हम क्या देते हैं एम्फी मिक्सेस. व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विथ एग फॉर्मिंग जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब्स में होती है, मैंने पहले भी बताया था. इट इज कहां पे? एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन. ध्यान से सारा इधर ध्यान, जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, एफ टी आपने पूरा लिखना है, फेलोपियन ट्यूब्स. व्हेन कब होगी? व्हेन एग एंड स्पर्म्स अराइव देयर साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे दोनों पहुंच जाएंगे एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या क्या स्टेप्स है? ध्यान से पेन नीचे रखो, समझो पहले थोड़ा. तो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला स्टेप है कॉपुलेशन, या फिर हम इसको और क्या कह देते हैं, इंसेमिनेशन. इन सेमी स्पर्म को अंदर करना, स्पर्म्स को अंदर भेजना, दैट इज रिलीज ऑफ सीमन इन विजाइना ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज कॉपुलेशन या इंसेमिनेशन. दूसरा क्या है? स्पर्म मूवमेंट. कहां से? फ्रॉम विजाइना. कहां पे? अप टू द फेलोपियन ट्यूब्स. अब स्पर्म्स ने एंटी ग्रेविटी जाना है विजाइना से फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ. ठीक है, तो कैसे जाएंगे? By sperm tail movement, sperms खुद मूव कर रहे हैं. तो जो sperms की movement है वो बहुत धीरे होती है. Sperms move at the rate of 1.5 millimeter पर मिनट. ठीक है, चेक कर लो, पर मिनट. हाँ, 1.5 टू 3 मिलीमीटर पर मिनट, इतने ही स्पर्म मूव कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होती है स्पर्म. सेकेंड है, फिर कैसे जल्दी से पहुंचते हैं स्पर्म ऊपर? फैसिलिटेटेड बाय contraction, contractions of uterus and fallopian tubes
which start from cervix to upward. जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ मूव करती है, यूट्रस और फलोपियन ट्यूब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर से खुल गया, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ऊपर से खुल गया, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां खुल गया, तो ये ऊपर को धकेलता है, ठीक है। तो इस तरह से दो मेथड से स्पर्म्स मूव करते हैं बाय देमसेल्फ, और दूसरा कौन धक्का दे रहा है उनको, फलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड आ जाता है बेटा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। बेटा जो स्पर्म के सरफेस है ना उस पे बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, वो इनहिबिटर्स रिमूव होंगे तो स्पर्म के हेड पे एक रिसेप्टर है, वो एग के रिसेप्टर से फिक्स होगा, तो उन इनहिबिटर्स की रिमूवल को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। और अगर ये नहीं होगा, अगर इनहिबिटर स्पर्म के सरफेस पे रहेंगे तो स्पर्म का जो रिसेप्टर है वो एक्सपोज ही नहीं होगा, और अगर वो एक्सपोज नहीं होगा तो वो एग के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो व्हाट इज कैपेसिटेशन, हम कहते क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, दैट इज मेकिंग द स्पर्म्स एबल टू फर्टिलाइज द एग। इस कैपेसिटेशन कहां पे हो रहा है, विच अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ इनहिबिटर्स फ्रॉम स्पर्म सरफेस सो दैट इट्स रिसेप्टर्स गेट्स एक्सपोज। ठीक है जी, देन देयर इज प्रेजेंट एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम है, अब क्या हुआ, व्हेन जब स्पर्म्स जो है एग के पास पहुंचे तो एग के बाहर तो बहुत सारी, पहले कोरोना रेडिएटा है, फिर जोना पेलुसिडा है, फिर उसकी वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, फिर जागे उसका न्यूक्लियस है, तो स्पर्म्स को अंदर जाने के लिए ये सब मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे करेगा, विद एंजाइम्स। कहाँ पे है एंजाइम्स, एक्रोसोम में, ठीक है, बट एक्रोसोम कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, जब एग के पास पहुंचता है, ठीक है, व्हेन स्पर्म्स बहुत सारे स्पर्म्स रीच नियर एग, their acrosome bind with egg surface. बहुत सारे, कम से कम 200 to 300 million sperms है, बहुत सारे sperms जो है ना वो vagina उनको खा जाता है, बहुत सारे sperms मर जाते हैं तकरीबन, है ना, कुछ रस्ते में मर गए, कुछ पहले मर गए, तकरीबन 100-200 स्पर्म्स जो है वो एग के पास पहुंचते हैं, इतने ही स्पर्म्स, और अगर इससे कम पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म चाहिए,
बट अगर कम स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्रोसोम्स इतने एंजाइम्स ही नहीं रिलीज होंगे कि वो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर सके. तो कम से कम 100 स्पर्म्स चाहिए फॉर द इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन. ये मैंने इन जनरल आपको बताया है, ठीक है. तो बाइंड्स विद द एग सरफेस, एक्रोसोम बर्स्ट, रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सच एज हाइलुरोनाइडेज, जोना लाइसेंस, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एटसेट्रा. और भी होंगे एंजाइम्स बट ये मेन है, ठीक है. दे डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन एट ए पॉइंट, हर जगह नहीं, पूरी की पूरी नहीं, एक जगह पे एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर देते हैं. एंड वन ऑफ द स्पर्म कंप्लीटली, पूरे का पूरा स्पर्म कंप्लीटली एंटर्स इन द एग और सेकेंडरी ओवोसाइट, ठीक है. एक जगह पे एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और एक स्पर्म क्विकली एंटर कर जाता है. उसके बाद क्या होता है, बाकी स्पर्म्स का क्या होता है, वो मैं बताऊंगी, पहले आप ये लिख लो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक स्पर्म एंटर किया तो हम कह रहे हैं कम से कम 100 स्पर्म्स वहां पे होने चाहिए तब फर्टिलाइजेशन होती है. तो एक से ज्यादा स्पर्म क्यों नहीं एंटर कर पाए, क्या प्रॉब्लम थी, एक ही क्यों एंटर किया. तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीस्पर्मी क्या चीज है. पॉलीस्पर्मी जो है एंट्री ऑफ More than one sperm in the egg, that is called as polyspermy, जो नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, ये egg है, इसके अंदर negative charge होता है, पहले vitelline membrane के अंदर और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है. जैसे ही एक स्पर्म अंदर गया वैसे ही क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन. डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, इमीडिएटली रिएक्शन होता है जिसकी वजह से अंदर आयंस की मूवमेंट होती है और अंदर का पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है. तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो गई तो मोर स्पर्म्स अंदर नहीं जा सकते, ठीक है. तो दूसरा, एक तो ए है पहले समझ लो फिर लिखना है ना. तो ये है डीपोलराइजेशन
और दूसरा आ जाता है बच्चे कॉर्टिकल रिएक्शन, जो ये एग है या सेकेंडरी ओवोसाइट है, इसके नीचे वाइटलाइन मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं सारी तरफ। जैसे ही अगेन एक स्पर्म अंदर गया तो इसने क्या किया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूजेस विद वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड पासेस इट्स कंटेंट्स इनटू पेरी वाइटलाइन से। और ये कंटेंट जो है ये फ्यूज होके ये कंटेंट आ गए। कंटेंट्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल और ये कंटेंट्स जो है दे फ्यूज विद जोना पेलुसिडा ड्यू टू विच देयर अकर्स हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा विच डज नॉट अलाउ एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। ठीक है, तो दो रिएक्शन हुए। नेचर हमेशा एक काम नहीं करती है, पहले उसने प्रिवेंट किया डिपोलराइजेशन से, उसको फिर श्योर शॉट करने के लिए एक और रिएक्शन हुआ, डबली चेक है। ठीक है, पहले डिपोलराइजेशन की, फिर कि भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए एक चीज और करें ताकि मोर स्पर्म एंटर ना करें, वो हुआ कॉर्टिकल रिएक्शन। राइट, डीपोलराइजेशन इज चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द एग मेम्ब्रेन। अब आपने ये खुद लिखना है कि डीपोलराइजेशन कैसे है, थोड़ा सा फिर मैं दोबारा से बता ही रही हूं। एज द स्पर्म, एज वन स्पर्म एंटर्स इन द एग, there occurs first है depolarization, that is reversal in polarity of the egg membrane, due to which आपने ये खुद लिखना है, due to which no more sperm enters in the egg. Second है cortical reaction, ये मैंने लिखती है, ये करो नोट। अब देखिए अब क्या है, पहले समझना। ये इसको हम क्या बोल देते हैं, हार्ड जोना पेलुसिडा को हम, दिस इज called as fertilization membrane. This is hard zona pellucida or fertilization membrane. ये बेटा, ये पूरे का पूरा स्पर्म जो है
ये एंटर कर गया। अब मैं सिर्फ अंदर अंदर का दिखा रही हूं। द हेड ऑफ द स्पर्म, दिस इज हेड ऑफ स्पर्म, और हम इसको क्या बोल देते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस। इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम मिडल पीस एंड टेल। यहां पे दिस डिस्टल सेंट्रियोल, दिस इज, ये है डिस्टल सेंट्रियोल, और यहां पे क्या है, दिस इज जर्मिनल वेसिकल, फीमेल प्रोन्यूक्लियर। अब क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेंट्रियोल, क्योंकि एड के पास सेंट्रियोल नहीं है, इसलिए ये डिवाइड करके इसने दो सेंट्रियोल्स बनाए। मिडल पीस एंड टेल डीजेनरेट, ये डीजेनरेट कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, बस ये यहां पे ये लिखना है, दिस इज complete sperm. Next step आ रहा है बेटा, इसके बाहर आपने जोना पेलुसिडा जरूर बना लेनी है, वो है कोरोना रेडिएटर, फिर भी खत्म हो जाती है, थोड़ी बहुत तो इसके बाहर भी होती है, बट जोना पेलुसिडा अभी भी है, आपने पूरी बना लेनी है जब बनाओगे। उसके बाद क्या है, दिस सेंट्रियोल इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेंट्रियोल, दस फॉर्म पिंडल। तो यहां पे क्या हो गया, सेंट्रियोल्स जेनरेट स्पिंडल। सेकेंड क्या आ जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट कंप्लीट्स मियोसिस टू। मियोसिस टू कंप्लीट हुई एंड फॉर्म्स एग एंड सेकेंड पोलर बॉडी। यहां पे क्या हुआ, ये क्योंकि न्यूक्लियर जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, आप ये देखो, दिस इज मेल प्रो न्यूक्लियस। इस स्पिंडल पे जो एग के क्रोमोसोम्स है 23, वो ऐसे स्प्रेड किए हुए हैं, और एक ये छोटी सी पोलर बॉडी है, ये बन गई और ये यहां से बाहर निकल गई, ठीक है। और इसके बाहर आपको पता है, मतलब ये इतनी दूर तो नहीं जाती, ये यहीं तक ही रहती है जोना पेलुसिडा के अंदर अंदर, और यहीं पर डीजेनरेट भी कर जाती है, इतना
डिटेल में तो नहीं हमने करना, सिर्फ इतना कि दिस सेकेंड पोलर बॉडी इट मूव्स आउट ऑफ द एग, धीरे धीरे करके ये डीजेनरेट कर जाएगी। ये जोया पेलुसिडा, ये है सेकेंड पोलर बॉडी। और ये क्या है, दीज आर द क्रोमोसोम्स ऑफ द एग। Which do not secrete nuclear membrane, which do not get covered by nuclear membrane. NM is nuclear membrane. ये यहां स्पिंडल पर ही रहते। नेक्स्ट क्या हुआ, डिसॉल्विंग the nuclear membrane of male pronucleus. फिर क्या हुआ, इसके क्रोमोसोम्स बाहर आ गए, मिक्सिंग ऑफ मेल क्रोमोसोम्स विद फीमेल क्रोमोसोम्स ऑन स्पिंडल। यहां स्पिंडल पर ही ये जो स्पिंडल है इसके ऊपर फीमेल क्रोमोसोम्स पहले से थे, और साथ में क्या आ गया, मेल क्रोमोसोम्स भी आ गए, एंड मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम अगेन जोना पेलुसिडा अभी भी है। तो दिस कंप्लीट्स एम्प्टी मिक्सर्स, एंड जाइगोट इज फॉर्म, zygote at 2n is formed. ठीक है, तो ये हुआ, क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेना, आप खुद लिखोगे एंट्री ऑफ कंप्लीट स्पर्म इन द सेकेंडरी ओवोसाइट, हेड ऑफ द स्पर्म गेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, मिडल पीस एंड टेल degenerates, distal centriole divides to form two centrioles. ब्रैकेट में लिख लेना एग, लैक एनी सेंट्रियोल, नेक्स्ट स्टेप क्या है, द सेंट्रियोल नाउ जनरेट स्पिंडल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन of the female pronucleus dissolves and completion of meiosis II, forming two structures, egg and second polar body. Second polar body, second polar body extrudes from egg. The female chromosomes, the chromosomes of the egg remain on the spindle. Next, मैंने बता दिया, male pronucleus की nuclear membrane dissolve हो गई, and male chromosomes gets mixed with female chromosomes on the spindle,
thus completing amphimixis ya fertilization, forming diploid zygote. Is it okay? Samajh mein aayi meri baat? ठीक है, लिखो फिर जल्दी से.